ओल्ड इज गोल्ड, कितनी बार आपने सुना होगा किसी भी ऐसी प्रेशियस चीज के लिए ये बात बोली जाती है कि जितना पुराना है उतना ही अच्छा है, लेकिन बोला ये जाता है ओल्ड इज गोल्ड, यानी कि गोल्ड जो है वो वैसे ही बहुत प्रेशियस है। और हमने पिछले ज़माने में अपने जो पुराने टाइम में हमने देखा, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उनके पास में गोल्ड होता था और वो गोल्ड के ज्वेलरी पहन के रखते थे। और उस टाइम पे ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी या ये सब कुछ तो आया नहीं था, सो सभी के पास में, जिनके पास में भी जो भी होता था वो हमेशा वेयर करके रखते थे। बट जाने अनजाने में, चाहे उनको इस बात का पता था या नहीं पता था, सो दे वर हैविंग लाइक दीज थिंग्स वर हैविंग साइंटिफिक रीजंस एज वेल, और अभी भी हैं, कि गोल्ड में ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे लोग फिट रहते हैं, या क्या ऐसा साइंटिफिक उसके अंदर रीज़न है कि गोल्ड पहनना लोग ज़रूरी भी समझते थे और पहनते भी थे। लेकिन आजकल तो सब आर्टिफिशियल चलता जा रहा है, बिकॉज पीपल वॉन्ट मैचिंग होना चाहिए और दे डोंट बिलीव इन दिस। बट अल्टीमेटली गोल्ड जो है, सोना जो है, उसको पहनने के क्या साइंटिफिक रीजंस है मैं आपको बताती हूँ। जब भी गोल्ड पहना जाता था तो जो गोल्ड है उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस्ड करता है, ठीक करता है, और उसके साथ में ये इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल्स जो हैं वो ठीक रहें। इसीलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम्स में, जो लेडीज़ होती थी वो अपने एब्डोमेन पे एक चेन, गोल्ड चेन पहन के रखती थी। सो वो कोई स्टाइल का या उसका ऐसा कोई पर्पस नहीं होता था, बट अल्टीमेटली स्पेशली ये उस समय उनको बोला जाता था पहनने के लिए जब वो प्रेग्नेंट होती थी, क्योंकि एट द एरिया ऑफ द एब्डोमेन जब गोल्ड की चेन पहनाई जाती थी उनको, तो वो ये इंश्योर करते थे कि जो उनके बॉडी फ्लूइड्स हैं वो बैलेंस्ड रहें, और उसके साथ में जो बेबी है वूम में वो भी उसी एरिया में जब गोल्ड का चेन पहनी जा रही है, सो मदर और चाइल्ड दोनों के ही ऑक्सीजन लेवल्स और ब्लड सर्कुलेशंस परफेक्ट रहें। सो ये जो है मेडिसिनल रीजंस और साइंटिफिक रीजंस की वजह से ये किया जाता था। एक्चुअली भी गोल्ड के बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो होते हैं। गोल्ड की जो ज्वेलरी है, यदि वो पहनी जाती है, सो उससे बहुत सारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें दूर होती हैं। नर्वस सिस्टम को ठीक से वर्क करने में गोल्ड बहुत हेल्प करता है, और उसके साथ में बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं जो कि गोल्ड से जाती हैं, जैसे कि आर्थराइटिस की अगर बात करें, या ब्लड प्रेशर की बात करें, ब्लड शुगर लेवल्स की बात करें, सो इफ़ यू विल रिसर्च यू विल फाइंड इट। सो अब से इस बात को समझिए कि गोल्ड सिर्फ शो ऑफ करने की चीज़ नहीं है, एक्चुअली गोल्ड जो है वो हमारे जो एंसेस्टर्स वेयर करते थे वो कुछ रीजंस की वजह से करते थे, और वो ऑल टाइम फिट रहते थे। इसीलिए आज के टाइम में भी जस्ट लीव द आर्टिफिशियल स्टफ एंड ट्राई टू ऑप्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो आपके पास है, और उसको साइंटिफिकली यूज़ करने के लिए और मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए भी यूज़ कीजिए।